नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानव समाज पार्टी के केवट रामधानी बिंद, जो कि एक संयोजक है हिस्सेदारी मोर्चा के। आज हम इनकी जर्नी पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना सफर आज तक तय किया है। तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आज हम लोग हमेशा अपने शख्सियत में, एक शख्सियत से जो भी बात करते हैं तो उनकी जर्नी पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या आपका जो परिवेश था वो किस तरीके का था। श्रोता जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और देव दीपावली भी है और इस देव दीपावली पर भी सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद और हिस्सेदारी मोर्चा का संयोजक भी हूँ। अभी हाल में बीजेपी से गठबंधन हुआ है। जैसे आपने पूछा कि मेरा भूतकाल या जो मेरी जर्नी है उसके बारे में बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी जर्नी है बहुत कठिन है। और एक क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, बहुत मामूली किसान, खैर भाव भी होते ना पड़े हैं, एक गरीब परिवार से मेरी जर्नी शुरू हुई है। इससे पहले मैं 2010 से पहले जो भी मेरा जन्म है या मेरा एजुकेशन है सब मुंबई हुआ। मुंबई से मैं वहाँ एजुकेशन किया। एजुकेशन करने के बाद मेरी बचपन से जब मैं होश संभाला इंटर कर, मेरी बड़ा एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से था। मेरे फादर एक बड़ाई का काम करते थे, मतलब सुतार कारपेंटर काम करते थे रोजमर्रा की जिंदगी, और वहाँ पे हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे चौल सिस्टम में, जिसे वहाँ मुंबई में स्लम कहा जाता है। और स्लम की स्थिति क्या होती है ये सब जानते हैं। और उस स्थिति में मैंने अपना एजुकेशन किया, और एजुकेशन करने के बाद मुझे एक बचपन से शौक था कि बड़े बड़े नेता लोग टी वी में आते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनके पीछे पुलिस लगती है, तो चूँकि मुझे भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो वहाँ पे मैं मलाड, एक मुंबई में एक मलाड स्थान है, और मलाड स्थान में वहाँ यादव चाल है जितेंद्र रोड पे, उस बस्ती में मैं रहता था। वो बहुत स्लम बस्ती थी, उस बस्ती में मैंने छोटे छोटे वहाँ सामाजिक संगठनों के साथ में काम करना शुरू किया, और करते करते कुछ वहाँ पे ज्ञान मिला। और जब हम गाँव आते थे अपने, और गाँव आने पर मैं देखता था कि जो मैं केवट समाज से ही, केवल बिंदु एक समाज होता है, मछुआ कम्युनिटी का एक समाज होता है, हमारे समाज में आज तक आज़ादी के 70-74 साल होने पर भी जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमारे समाज में बहुत अशिक्षित लोग हैं, उन्हें उनकी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और बहुत पिछड़े अति पिछड़े समाज के हैं, उनका शोषण हर सरकारों ने किया। तो एक ललक हुई कि मुझे मुंबई छोड़ के उत्तर प्रदेश में अपने समाज के लिए, अति पिछड़े शोषित समाज के लिए काम करना चाहिए। तो मैं फिर डिसाइड किया कि अब मुझे मुंबई नहीं आना है। तब मेरा उत्तर प्रदेश का जो सफ़र है 2012 से हुआ जी, 2012 से हुआ। उससे पहले 2010 में मैं एक बार आया, तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है जी, मैं उस ग्राम प्रधान के चुनाव में भाग लिया, और पहला छोटा एक चुनाव होता है BDC सांसद में। उस BDC चुनाव में मैंने पर्चा दाखिल किया, और जो मेरे गांव के लोग थे मुझे जानते नहीं थे, मेरे क्षेत्र के लोग जानते नहीं थे, और वहीं से मेरी राजनीति के BDC की चुनाव से मेरा राजनीतिक करियर शुरू हुआ जी। चुनाव तो मैं जीता नहीं, लेकिन जो मेरे समाज के, बिंद समाज के, वर समाज के 350-400 वोट थे, उसमें से मुझे 250 वोट प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि मुझे जब एक छोटे से चुनाव में, जो मुझे कोई पहचानता नहीं है, और 250 वोट में जब पा सकता हूँ, तो मुझे और काम करना चाहिए। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफ़र शुरू किया, और 2012 का चुनाव आ गया विधानसभा। उसमें मैं सोचा कि अब इस समाज को की स्थिति क्या है, कैसे जाना जाए, और उन लोगों के पास कैसे जाता। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई, क्यों ना मतलब विधानसभा चुनाव लड़ा जाए जी। और तब मैंने विधानसभा 2012 में पर्चा दाखिल किया, निर्दलीय मतलब दाखिल किया हमने, और उसके सहारे खाली एक जाने की स्थिति थी, मुझे हर गांव में जाना है, अपने समाज की स्थिति पहचानना है।
तो मैंने 2012 के चुनाव में पत्र दाखिल करके जफराबाद विधानसभा चुनाव है जौनपुर जिले के अंदर, और गांव गांव मैंने सफर शुरू करना किया, और बहुत केवट बिंद निसार जो अति पिछड़े नाई लोहार सभी बस्तियों में जाता था, उनके तकलीफों को सुना मैं, तो बहुत सी अशिक्षा का अभाव, कोई रोजगार नहीं, रोजमर्रे की जिंदगी कमाना, और कभी कभी तो ऐसे लोग बोले कि अरे नेताजी, जब मैं प्रचार करूँ नेताजी से बोलना शुरू कर दिए, नेताजी कभी कभी तो दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती है जी। तो ऐसा ही मतलब जो घर में नमक रोटी है उसको खा के सो जाते, बहुत तकलीफ और दर्द हुआ। तो मैंने यह प्रण किया अब मैं कोई वर्क नहीं करूँगा जी, मैं कोई वर्क नहीं करूँगा, मैं अपना सारा जीवन राजनीति में और समाज की सेवा के लिए जो उनके लिए मैं काम करूँगा। तब से मैं 2012 के बाद निरंतर उत्तर प्रदेश में रह के अपने समाज के प्रति, चाहे जौनपुर हो, गाजीपुर हो, सुल्तानपुर हो, इलाहाबाद हो, तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मैंने अपना सफर राजनीति करना शुरू किया जी। और जैसे मैं मुंबई से, आपको मैंने बताया कि मुंबई से जब मैं आया जी गांव में, तो गांव में हमें जैसे मैंने कहा कि रॉयल फैमिली का मैं नहीं, बहुत गरीब किसान का हूँ जी। मेरे पिताजी बढ़िया थे, कारपेंटर थे, हम चार भाई हैं जी और एक बहन है, एक माता जी, माँ बाप थे, पिताजी तो राजनीति के चलते हमारे एक्सपायर हो गए, बहुत तकलीफ और दर्द होता है। अभी 2017 के चुनाव में, 18 में लोकसभा, हाँ 19 के चुनाव में लोकसभा के पहले ही जी। बहुत दर्दनाक घटना है, दिल को छूने वाली बात है, उसको मैं आपके माध्यम से शेयर करूँगा। लोकसभा चुनाव का पीरियड चल रहा था, 19 में चुनाव था, 18 को मैंने 2018 को पार्टी अपनी बनाई जी, 3 साल की पार्टी, क्योंकि मैं सोचा कि अगर समाज की सेवा करना है तो कोई फ्रंट चाहिए या कोई संगठन चाहिए, क्यों ना राजनीतिक दल बना के, क्योंकि समाज को हक दिलाना है तो राजनीति करना होगा, सदन में पहुंचना होगा। जब तक हम सदन में नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने समाज के हक अधिकारों की या बात नहीं कर पाएंगे जी। तो मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई, और हमारे समाज में और पहले से पार्टियां थी, तो लोग बोले कि एक हो जाइए, एक हो जाइए, जो होता है ना, मतलब जब कोई आगे बढ़ता है तो तमाम लोग उंगली उठाते हैं समाज के अंदर जी। तो हमारे पिताजी भी थे, तो पिताजी को हमने कहा, सुबह के 4 बजे थे, हमने वरुणा ट्रेन पकड़ा जलालपुर से, पिताजी को कुछ हार्ट में तकलीफ थी जी। था तो हमने पूछा कि पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए आराम से काम करके आइए। और मेरा बदनसीबी यह है कि मैं लखनऊ आ गया, लखनऊ आने के बाद राजनीतिक पार्टियों से एकता होने की बैठक हुई, और बैठक के बाद मैं जब सुबह घर छुट्टा निकला जाए, सोचो मैं सोच तक रात को निकल जाऊँ, मैं सोचो रात हो गई ट्रेन नहीं है, तो लखनऊ स्टेशन पे बाहर ठंडी का मौसम था, यही हाँ अक्टूबर का ही महीना था, 27 अक्टूबर 1800 हुए थे, वही लखनऊ के बाहर चढ़ बिछा के हम वहीं जमीन पे सोए, मतलब क्योंकि मेरा राजनीतिक सफर जो है भीड़ भाड़ ट्रेनों में जाना जी, जमीन पे प्लेटफॉर्म पे सो जाना मतलब जी, और कहीं पैसे नहीं होते थे तो बिस्किट पार्ले बिस्किट खा के और पानी पीना, इसी तरह से मैं और हम सो गए, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया जी। बहुत तकलीफ ही, बहुत दर्द हुआ, हमारे साथी थे, हम बहुत रोए, स्टेशन में बैठ के अगर मैं चला जाता तो शायद बच जाते मतलब, लेकिन ठीक है, जो होना था तो होना है। ये मेरा राजनीतिक सफर बहुत दर्दनाक है, और फिर तब भी मैं हिम्मत नहीं हारा, इतना होने के बाद भी मैं अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं मुझे कुछ करना, क्योंकि पिताजी थे, कुछ काम करते थे तो कुछ घर का चलता था, और राजनीति का जुनून ऐसा होता है, क्या कहते हैं ना, शुगर, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, सभी खतरनाक राजनीति होती है। अच्छा केवट जी, आप अभी जैसे बता रहे हैं कि आप एक निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं और निर्धन परिवार के रहते चलते रहा, फिर उसके बाद ये है कि आप किस तरीके से आपने घर को भी तो मैनेज करना होता है हाँ। क्योंकि आपने अभी तक जो भी हमसे बात किया उसमें यह था कि घर को भी आपकी एक ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लिए भी संसाधन आपको जुटाने थे, क्योंकि आप बहुत निर्धन परिवार से थे। दूसरी जगह आप वही समाज कल्याण की बात करते हैं, तो जो आप अपने घर पे, आपने घर को अपना किस तरीके से मैनेज किया, तभी तो आप क्योंकि समाज चला पाएंगे, तभी आप समाज के जी, क्योंकि परिवार को चलाना सबसे पहले जरूरी होता है, अगर परिवार नहीं चला तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन मैंने अपने परिवार को भी ताप पे रखने का काम किया है जी।
जब तक पिताजी थे तो वो चलाते थे और मेरे मुंबई में तमाम दोस्त अच्छे खासे लेवल पे हैं जी। तो उनसे मैं बोलते ना राजनीति में एकदम निचले स्तर पर राजनीति करना, भाई 500 रुपया दे दीजिए। फोन करता था किसी दोस्त को, यार 1000 रुपये की जरूरत है, लखनऊ में फंस गया हूँ, काम करना है। मतलब गिरा के मतलब काम करना है, उनसे पैसा लेना है मुझे, मतलब जी। बहुत रिक्वेस्ट करके कभी कभी तो ऐसा लगता है 10-10 बार कॉल करना पड़ता है जी, सर दे दो, अरे यार दे दो, मतलब तो आदमी भावुक होके मतलब दे देता है जी। इसी तरह मेरा और मेरे भारतीय मानव समाज पार्टी में कुछ मेरे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है, मेरे पार्टी के रीढ़ है, मेरे भाई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपी चंद बिंद जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रमेश बिंद जी हैं जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अंकुश कश्यप जी हैं, रणजीत मल्ला जी हैं जी, हमारे एक सलाहकार हैं विमल कुमार बिंद जी हैं जी, और मुंबई में कुछ हमारे साथीगण हैं, हमारे एक दोस्त है बहुत परम मित्र महेश चौहान है, मैं और जो महेश चौहान है उसको पार्टी में है लेकिन उसे राजनीति से कोई लगाव नहीं है, उस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की इस पार्टी को चलाने के लिए जी। मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके चैनल से करना चाहता हूँ। इसी तरह मेरा जो अगर मैंने 100 रुपया चंदा लिया तो 80 रुपया मैं पार्टी में खर्च करता हूँ और 20 रुपया मैं अपने परिवार के लिए उसमें से करता हूँ, मेरे 3-4 बच्चे। तो आप मतलब आप ये है कि जो आपकी जो जीवन हाँ, जो यापन होता था वो चंदे के माध्यम से, चंदे के माध्यम से, मैं झूठ की बोलूं मतलब कि चंदे के माध्यम से आप अपने घर का भी चलाते और पार्टी भी चला रहे हैं। पार्टी चलाते हैं क्योंकि खेत है, 10-20 खेत हैं, उस 10-20 में मतलब साल भर के लिए 4-5 क्विंटल गेहूँ, 4-5 क्विंटल मतलब चावल हो जाता है और उसमें से थोड़ा सा आलू सालू जो भी है, एक किसान भी किसानी भी करता हूँ, उससे मेरा जो तेल नून नमक होता है वो मतलब हमारे एक दोस्त हैं गणेश कुमार बिंद, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, या 4 साल से उस व्यक्ति के यहाँ से मैं उधार लेता हूँ जी। तेल नमक बहुत तकलीफ होती है, वो आदमी सहा किया जी। तो ये मेरी इस ढंग से मैं मतलब अपने परिवार को मेंटेन करने का काम करता हूँ। और राजनीति में बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये नेता है, मैं तेलों से करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह से मैं अपने जीविका यापन करने का काम करता हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी, कभी कभी उनके पास फटे फटे कपड़े रहते हैं, वो मैं चलते हैं, यूँ चलता रहता है, खाली समाज की सेवा करना है, जुनून है, संघर्ष है, क्योंकि मैं जानता हूँ इतिहास जो होता है ना, या बहुत गरीब व्यक्ति होगा जी वो बनाएगा, पूंजीपति तो अगर इतिहास बनाना तो टाटा बिरला अंबानी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर होते थे, देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला पीएम नहीं बन सकता था मतलब। तो इन सभा को मैं अपने जी। अच्छा केवट जी, आपने भी बताया कि आपने शायद 2012 में पार्टी आपने बनाई है, राजनीति में आए हैं, और 2018 में आपने अपनी पार्टी का निर्माण किया था, जो पार्टी बनाए थे। आप समाज कल्याण को लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो समाज कल्याण से 2018 से अब तक आप क्या क्या चीज कर चुके हैं, किस तरीके से आपने समाज की हेल्प करी है, किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और उन पर आपने काम किया है समाज के अंदर में? जैसे हमने कहा कि जो हमारे समाज का शोषण होता है, लोग हमारे समाज को दबंगे से मार पीट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, समाज में हमारे तमाम महान व्यक्ति के लोग बलात्कार कर देते हैं, उन मुद्दों को लेके मैं सरकार से लड़ने का काम करता हूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का काम करता हूँ। और जैसे हमारी लड़ाई है 17 जाति, हमारे समाज को आरक्षण की मांग है, समय समय पर मैं उनको आरक्षण की मांग करता हूँ। और एक फील्ड पे और काम कर रहा हूँ पूर्वांचल राज्य पे जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, मेरी सोच से ऐसा लगता है कि 400 विधानसभा पे एक मुख्यमंत्री कैसे काम कर पाएगा, तो क्यों ना कि पूर्वांचल राज्य अलग होना चाहिए। उस पर भी मैंने पूर्वांचल पे काम किया, 2-2 बार मैंने हमने बनारस में पूर्वांचल राज्य को लेकर आंदोलन हमने किया, रेल को आंदोलन भी किया है। तो इससे जो सामाजिक संगठन है, क्योंकि मैं समाज के ऊपर जो अत्याचार होता है उसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ जी, क्योंकि मैं लोग के शादी ब्याह जैसे होता है या कुछ में कुछ मैं योगदान नहीं कर, मैं खुद निर्धन हूँ जी, लेकिन हाँ उनके दुखों में मैं सम्मिलित होकर उनके दुख को कम करने का मैं काम करता हूँ। अच्छा, आपने जो भी आंदोलन किए हैं, जिस तरीके से आंदोलन आप लेके आए थे, तो उनसे क्या कुछ बदलाव हुए हैं,
कोई ऐसा निष्कर्ष निकला है उनके उन आंदोलन के चलते? हाँ, क्योंकि देखिए जो हम आंदोलन करते हैं तो किसी की FIR नहीं होती है जी, किसी की सुनवाई नहीं होती है, तो आंदोलन करने से उसकी सुनवाई हो गई, उसका FIR हो गया, वह व्यक्ति जो था उसको उसको जेल हो गई, मतलब जी। तो ये सब छोटी 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 चीज़ होती है समाज की, तो समाज को क्या चाहिए, समाज को यह चीज़ अगर उसका कोई नेता नेतृत्व कर रहा है तो उसके दुख तकलीफ में उसकी मदद कर दे, वो काम हो जाए। और रही बात कोई बड़ी चीज़ को बदलाव करने के लिए समाज के अंदर, उसके लिए सदन में पहुँचने की आवश्यकता है। जब तक हम सदन में पहुँच के अपने समाज के अधिकार की बात नहीं करेंगे तो हम उस बड़े बदलाव को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति रूपी मास्टर चाबी के माध्यम से अपने समाज के तकदीर को खोलने की प्रयास कर रहा हूँ जी। बाकी आप जैसे आप हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक हैं, उसमें आप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं? पार्टी तो मैंने बना ली जी, और पार्टी फंड नहीं, पैसे नहीं, और पार्टी चली मतलब, तो अब चुनाव सामने आ गया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में मैं 1 साल 1.5 साल काम किया जी। मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा तमाम 8-10 लोग थे जी। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वही जो नीति थी पेपर पे थी जी, वो दिखती नहीं थी जी। वो अपना ही मतलब करते थे, ठीक है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनका था, उनके वो संयोजक थे, और भाई भागीदारी के नाम पे वह उनके 2 बेटे ही थे और किसी का उसमें कुछ नहीं थे। आज की तारीख में मैं उस मोर्चे से अलग होके सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने 9 राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें हमारे बलिया से बाबूलाल राजभर जी सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भीम राजभर जी जी, चंद्रमा मरवासी जी, चंदन चौहान जी, कृष्ण गोपाल कश्यप जी, आर एन चौधरी जी, इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी जी, महेंद्र प्रजापति जी, यह हम 10 लोग का मैंने एक मोर्चा बनाया जी। और हम बोले कि अगर 10 जाति के लोग रहेंगे एक ताकत बनेगी, अगर हमें चुनाव अकेले भी लड़ना पड़े तो एक जाति का अगर एक व्यक्ति 5-5 हज़ार भी वोट लेगा तो हम 50 हज़ार वोट ला सकते हैं जी जी। इसी तरह लेकिन फिर सोचा कि अगर तब तक हमारे काम को देखते भारतीय जनता पार्टी ने हमें ऑफर किया, क्यों ना आप लोग इस गठबंधन में आ जाइए, तो हमें सोच अच्छी बात है। और इसीलिए तब हम लोग ने BJP की जो नीति है सबका साथ सबके विकास को लेके, हमने एक मीटिंग किया अपने मोर्चे के माध्यम से सपा बसपा को, कि बसपा के सरकार में और सपा के सरकार में इनकी सरकारें बनती हैं तो इनके एक ही जाति के लोग को मतलब अधिक बढ़ावा मिलता है और बाकी लोग मतलब कोई उनका अस्तित्व नहीं रहता है। और रही BJP की, BJP माने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, इनकी सोच है कि सबका साथ सबका विकास और निचले दबे कुचले को सम्मान देना जी। हमें अच्छा लगा तो हमने इनके इसी नीतियों के नाते भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया जी। और हिस्सेदारी मोर्चा आने वाले समय में 2022 में यह सौगंध खाया है, 10 में है दम, 2022 में फिर योगी की हम सरकार लाके रहेंगे जी। अभी तक जैसे आप एक छोटी पार्टी थी और अब एक बड़ी पार्टी से आप का गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन हुआ है तो उसमें आप किस तरीके से अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे, किस तरीके से आप योगी और PM मोदी के उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? जैसे मैं कहा मेरे पास 10 लोग हैं और 10 जाति के लोग हैं, और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है जाति समीकरण जी। अगर जाति समीकरण नहीं होता, आज तमाम अखिलेश जी की छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं जी, वो भी तो कर रहे हैं, उन्होंने राजभर को मिलाया जी, तमाम चौहान को मिलाया, मौर्या जी को मिलाया जी। तो मेरे पास 10 लोगों की टीम है, 10 जातियों का वोट बैंक है, यही 10 जातियां सरकार बनाती हैं और बिगाड़ती हैं जी। हमारे पास यही प्लस पॉइंट है, और हम रैली के माध्यम से और हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबका एक अपना अपना अपने अपने समाज के अंदर उनका एक दबदबा है, उनका एक वर्चस्व है जी। और इन्हीं के मुद्दों के साथ हम हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो योगी जी हैं, ये हमें मान सम्मान देंगे, और इन्हीं मुद्दों पे हमारे गठबंधन का तय हुआ है, और आने वाले समय में हम गठबंधन के माध्यम से तमाम सीट लेंगे और अपने अपने लोग को विधायक बनाने का काम करेंगे जी। आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम TV के व्यूअर्स को एक मैसेज दें।
मैं प्राइम टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति या किसी कामयाबी को पाने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती है, हेलीकॉप्टर में उड़ के आने की आवश्यकता नहीं होती है। एक गरीब किसान का बेटा भी एक उच्च स्तर के शिखर पे बैठ जाता है और जो लोग के मन में यह है कि नहीं आज की राजनीति पैसों की है, 10-10 गाड़ियों की है, पुलिस गनमैन की है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल देवें। आप संघर्ष करिए, जब संघर्ष कर जो करता है उसके जब उसके कदमों में सारा जमाना सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी को समय देने के लिए। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की केवट रामधानी बिंद से, जिन्होंने अपने जर्नी के बारे में हमें बताया है कि किस तरीके से उन्होंने आज तक का अपना सफ़र पूरा किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।